माइक 2.0 का आयोजन किया गया और इवेंट ऑर्गेनाइजर दीक्षा लांबा और करण मेहता द्वारा युवा कवियों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए यह मंच दिया गया, जहां पर भारत के कई राज्यों से युवाओं ने आकर इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप भी देखें ओपन माइक 2.0 के कुछ दृश्य। ये सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है नोजोटो जिसको बोलते हैं, और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिस पे आप अपने दिल के सारे हाल, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं राइटिंग में, रिकॉर्डिंग में। और यही एक कम्युनिटी भी है जो पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में युवाओं को मौका देने के लिए ऐसे ओपन माइक्स करवाते रहते हैं हम। तो आज लुधियाना में मुझे काफ़ी खुशी हुई ये देख के कि लोग अपनी पंजाबी भाषा में बहुत सारी पोइट्री सुनाए, और हिंदी और भाषाओं में, और नए युवा जिनको हम चाहते हैं कि मंच मिले उनको काफ़ी मंच मिला और काफ़ी खुश थे सब अपनी परफॉर्मेंस से। अब लुधियाना में लेके जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू या आपके चैनल्स के थ्रू जा रहा है हमारा प्रोग्राम, तो बहुत उत्साह है। इस बार ही 60 से 70 ऑडियंस आई थी और 30-40 परफॉर्मर्स हो गए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, हर एज ग्रुप के बंदे आए हैं, और हमें बहुत खुशी है कि हमारा इवेंट लोगों तक पहुँच रहा है। सर एज़ यूजुअल लाइक हम आप लास्ट टाइम हमारे पास आए भी थे, हमने आप कवर करा था, उससे हमें काफ़ी बेनिफिट भी हुआ जिससे न्यू टैलेंट आया। इस बार हमारा सोल टॉक एंड नोजोतो की तरफ से हुआ है हमारा इवेंट। सोल टॉक भी एक चंडीगढ़ का ही है, हमारे साथ नोजोतो के साथ आया हमारे। एंड सर इसमें लाइक हमारे स्पॉन्सरशिप से भी हेल्प काफ़ी आती थी, लास्ट टाइम भी था वस्त्रावाइज होटल, सॉरी लाइफ टाइम फिटनेस हमारा थे स्पॉन्सर, इस बार भी वही है। एंड सर हमारे एक ही टैलेंट रहता है कि हम इसमें अपना मोस्ट ऑफ द 100% दे और अपकमिंग टैलेंट लेके आए।